म्यूज़िक पे हम एंट्री नहीं करते और आके थोड़ा सा यूं यूं नहीं हम करते तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते। खिलता चेहरा गुलाब हो जाए, तू मेरी ही किताब हो जाए, छू के तेरे नाजुक होंठों को सादा पानी भी शराब। और मुझे लड़का बनने का बहुत शौक था, जो कि मैं शरारतें वो वाली करती थी जो बहुत छुपी हुई होती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज भिक्की, मशहूर ससुराल। नाज़रीन, आज जिस फनकारा के साथ मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं, वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी सी उम्र में ही वो क्लिक हो गई और कमाल कर दिया उन्होंने। मैडम खुशबू जी, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबे ससुरे कैसे है? आप कैसी हैं ससुरे? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या हो रहा है? शालीमार में ड्रामा और ये ससुरा मेरे साथ है। कैसा लगता है आपको पब्लिक की जो वाह वाह है, दाद है, और फिर बीच में कुछ पब्लिक हूटिंग भी करती है, क्या फीलिंग्स हैं? हूटिंग को तो माइंड नहीं करते क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ हिस्सा है उसका। और सेकंड जो एप्रिसिएशन है वो हमारा ऑक्सीजन है, तो जब वो हमें अप्रिशिएट करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। बट ये है कि जब अप्रिसिएशन होती है तो तब तो बहुत ज़्यादा दिली खुशी हो रही होती है और दिल करता है, वो एनर्जी जो हमारी यहाँ होती है वो बिल्कुल हाई हो जाती है। फिल्म भी आपने की और फिल्म से स्टेज की दुनिया में आप आ गई, और फिल्म में करने का मज़ा आया या स्टेज लाइव पब्लिक को देखने का? एक्चुअली जब मैंने फिल्म स्टार्ट की तो मेरा जो स्टार्ट का करियर है वो है बहुत चाइल्ड स्टार, फिर मैंने सिस्टर्स के रोल में आई, देन मैं हीरोइन बनी। तो वो भी मेरा एक मतलब कि तीन मेरा सफ़र था, तीन तरह का, एक बचपन, बहन और उसके बाद हीरोइन। फिर उसके बाद जब मैं स्टेज की साइड पर आई हूँ तो स्टेज क्योंकि एक बहुत एक कॉन्फिडेंस वाले बंदे का काम है और बड़े हौसले वाले बंदे का काम है, तो जब मैंने शुरू में स्टेज किया तो तब मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करती थी कि नहीं यार, नहीं मुझसे नहीं होगा, आई कॉन्ट डू दिस। तो लेकिन ये कि जब मैंने स्टेज स्टार्ट किया तो जब उसके अंदर मैंने रोल करना शुरू किया, पहले तो हेलो हाई वाला सीन होता था, डरती थी तो भाग जाती थी जस्ट हेलो हाई करके, तो डांस तो खैर बहुत दूर की बात थी। बट मैंने जब हेलो जब काम स्टार्ट किया तो अब मैं स्टेज कर रही हूँ, स्टेज को प्रेफर करती हूँ, उसके बाद सेकेंडरी दूसरी चीज़ होती है। खुशबू जो थी बचपन में, शरारती थी या बहुत थी सोबर सीरियस? नहीं, डिसेंट तो मैं बहुत ज़्यादा थी, बट जब शरारत पे आती थी तो फिर उसका कोई सानी नहीं था। और गेम्स बहुत ज़्यादा करती थी, शरारतें भी बहुत करती थी, मैं शरारतें वो वाली करती थी जो बहुत छुपी हुई होती थी और बहुत ही मज़ेदार होती थी। और बचपन जिसे कहते हैं ना कि लोग तरसते हैं कि हमने ये नहीं किया या कोई चीज़ रह जाती है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बचपन मैंने अपना भरपूर गुजारा है। और मुझे लड़का बनने का बहुत शौक था, जो कि मैं फ़ाइट भी करना, फ़ाइट सीखना, जो लड़कों वाले काम थे सारे वो मैंने किए हैं, सीखे भी हैं, राइडिंग सीखी, स्विमिंग सीखी, गेम जितनी भी हैं तकरीबन मुझे आती हैं, मतलब कि क्रिकेट खेलना भी आता था, तो वो सारी चीज़ें मैं करती थी, वो मुझे सब उन चीज़ों का बहुत शौक था। तो जितना भी वो था तो मैं भाई के कपड़े पहन के, तो लड़का बन के तो मैं उनके साथ भी फ़ाइट वाइट करती थी, ये सीन पार्ट था सारा। तो ये स्टेज पर अक्सर ऐसा होता है कि बाप स्टेज पे खड़ा है, भाई खड़ा है, और बाप ने बेटी को आवाज़ दी है कि बेटी बाहर आओ, और बड़े गुस्से में बेटी को बुलाया जाता है, स्टेज की एंट्री होती है और बेटी आती है तो आंधे हो बट सोने। ये एक ट्रेंड है, इसके बगैर एंट्री अधूरी है, जब तक लड़की अब्बा जी बुला रहे हैं बट सोने के। अब नहीं, अब्बा जी बुला रहे हैं ना, पब्लिक भी तो बुला रही है ना। अब्बा जी तो एक जरिया है, बहाना है। तो असल डिमांड थे अब्बा पब्लिक वैसे बुला रहे हैं। तो ये हमारा एक सिग्नेचर बन चुका हुआ है, और ये जब तक इस म्यूज़िक पे हम एंट्री नहीं करते और आके थोड़ा सा यूं यूं नहीं हम करते तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो समझते यार कुछ कमी है, अगर हम सिंपल आए तो समझते कुछ कमी रह गई है। तो ये अब्बे ने एक सारा लभ्या पब्लिक के साथ मीट कराने का, तो होते ही ऐसे अब्बे होते ही ऐसे हैं ससुरा पे, ऐसे ही है ये भी तो ऐसे करते हैं। क्या समझती हैं कि हमारी फील्ड में इस वक्त जो दौर चल रहा है, यहाँ पर जूनियर सीनियर्स या डायरेक्टर या राइटर की कोई इज्जत या मुकाम रह गया या नहीं? सच पूछे तो जो जिस दौर में हमने काम स्टार्ट किया था तब तो सीनियर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, बहुत ज़्यादा, और मैंने तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की है, और ये आज उसका नतीजा है कि मुझसे कोई प्यार करता है जूनियर, तो वो शायद मेरा जो किया हुआ है वो मेरे सामने आता है।
लेकिन उसके बावजूद अगर बहुत सारी लड़कियों को आप देखें, बहुत सारे, मैं मेल्स की बात तो नहीं करती, वो तो वैसे प्यार करते हैं सारे, मैं भी करता हूँ, हाँ तो ससुरे बहुत करता है, तो जितने भी फीमेल हैं तो उनमें जेलसी है और वो चाहे हमसे बड़ी भी हों तो वो छोटी बनने की कोशिश करती हैं और ये बहुत बड़ा इशू है इस वक्त में, तो वो बच्चे शच्चे जम के घर में छोड़ के इधर आके वो रिकंडीशन बन जाती हैं, तो जरा आप सच सुनना तो वो आके रिकंडीशन हो गए यहाँ पे आके वो बिल्कुल छुन्नी काकी बन जाती है और उनको बिल्कुल सेंस नहीं है कि यार चलो ये इतने अरसे से काम करी तो उसकी रिस्पेक्ट कर ली जाए, और वो शॉर्टकट से वो अपने आप को मनवाने की कोशिश करती हैं कि अपनी उम्र 26 साल दांस दें तो मुंडा 27 साल था निकला क्योंकि जब अल्लाह ना करे अल्लाह में सबको अपनी हिफाजत में रखे, जब कोई उनके साथ मिसहैप होता है तो फिर उनके बच्चे जब पीछे से निकल के आते हैं ना तो फिर उनकी ओरिजिनल रेंज का पता चलता है कि यार ये भी बेटी इसकी, ये बच्चा इसका, ये इस तरह, तो खैर ये तो ड्रामे में कहते हैं कि मैं क्या मुंडा चाहिए तो बैठते लोग काट के देता, बैठते लोग काट के दे, रेडीमेड मुंडा देता तो क्या सही नहीं कर रही अल्लाह माफ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, एक हकीकत है जो सबको फेस करना चाहिए और करते हैं, माशाल्लाह हमारे बच्चे हैं, हम सबके सामने लेकर आते हैं, तो हमने जितनी भी हमारी उम्र गुजर गई है आने वाली है तो उसके अंदर अपने आप को एक आप दिखाएं, ये एक बहुत बड़ी नेमत है, जो लोग अपने बच्चे छुपाते भी हैं छुपाती भी हैं तो वो बाद में तरसते भी हैं, ये एक बहुत बड़ी नेमत है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए। अच्छा आप क्या समझती हैं कि ड्रामों में स्क्रिप्ट को या डायरेक्टर को वो पोस्ट सारे इख्तियार डायरेक्टर के पास आने चाहिए तो ड्रामा बेटर? देखिए जी हकीकत तो यही है कि पहले जैसे था कि वो डायरेक्टर की ही डायरेक्शन पे सब काम करते थे और उसकी जैसे वो डायरेक्शन देता था उसी डायरेक्शन पे ही चलते थे, अब ऐसा नहीं होता, अब ये है कि अब उसमें बहुत सारी चेंजिंग्स होती हैं, वो एक लाइन बताते हैं और बाद में सब कुछ करते हैं अपनी मर्ज़ी से ही हैं, और जो जैसे हम सुनते आए हैं कि जो हमसे पहले जो ड्रामा करते थे तो वो एक ड्रामा होता था और एक खौफ होता था कि वो ड्रामा करना है, एक लाइन भी एक वर्ड भी इधर से उधर हो गया तो मार पड़नी है, बैक स्टेज जब जाना है तो खिंचाई होनी है, लेकिन अब ऐसी वो चीज़ कहीं नज़र नहीं आती, एक नाम का डायरेक्टर रह गया है जो कि डायरेक्टर एक बहुत बड़ा नाम है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है, जो आप अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। बहुत खूबसूरत बात है आपकी और माशाल्लाह खूबसूरत भी आप बहुत हैं, एक शेर मेरे जहन में आ रहा है वो आपको खिलता चेहरा गुलाब हो जाए खिलता चेहरा गुलाब हो जाए तू मेरी ही किताब हो जाए छू के तेरे नाजुक होंठों को सादा पानी भी शराब हो जाए। तूने भी साफ बात की लेकिन मैं ये शेर और भी कहना चाहता हूँ कि ये मुसलमानों को यकीन भी नहीं करना चाहिए कि तबीब मिलते हैं पर दवा नहीं मिलती, दवा अगर मिले तो शफा नहीं मिलती, मैं सारी दुनिया घूम आया हूँ हुसन वाले मिलते हैं पर वफा नहीं मिलती। झूठा मिलती है क्यों नहीं मिलती, झूठ बोल रहा है नहीं नहीं वफा तो मिलती है। बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके, बहुत ही अच्छा लगा, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे और हमेशा इसी तरह हमारे साथ आपको सलामत रखे और हमेशा इसी तरह खूबसूरत रहें, इसी तरह खुशबू की तरह खिलती रहें। क्या जेन्युइन हुसन है आपका, मैं क्या कहूँ आपके हुसन के बारे में, खूबसूरत आर्टिस्ट हैं आप और बहुत ही कमाल फनकार हैं, अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे। बस नाज़रीन क्या मज़ा आया आपको खुशबू के साथ बातें करके, और इंशाल्लाह ऐसे इंटरव्यूज़ आपको दिखाता रहेगा मस्किया चैनल, मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।